तो और भाई हालचाल कैसे हो आप सभी लोग। एंड बेसिकली इस वीडियो हम कंप्लीट करेंगे वीक टू का एक न्यू मिशन जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, एक्टिव 10 टाइम्स पेट्रोल एंड प्रोडक्शंस रोबोट इन मिशन इग्निशन। तो इसमें बेसिकली करना क्या होगा, आपको 10 टाइम्स एक्टिव करने होंगे उन रोबोट्स को जो कि आपको मैच के अंदर मिलेंगे। एंड यार बेसिकली उनकी जो लोकेशन है वो मैंने वीडियो में बता रखी है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, सोलो वगैरह लगा लेना है एंड मिशन इग्निशन आपको दिख जाएगा ईवो ग्राउंड वाले में, एंड उसको आप टैप कर लेना है एंड उसको खेल लेना, ठीक है। अगर आप उसमें सोलो में पुश कर रहे हो तो सोलो में मत खेलना, डुओ में खेल लेना। अगर स्क्वाड में पुश कर रहे हो तो डुओ में खेल लेना एंड किसी में भी खेल लेना आपको जिसमें पुश वगैरह नहीं कर रहे हो रैंक वगैरह, ठीक है। और बहुत ही इजी सा टास्क है, इसको आप कर लोगे। ऐसा देखो यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे बंदे काफ़ी सारे आ जाते हैं, अगर यार पुश कर रहे होगे तो स्टार्टिंग में क्या पता आप एक या दो बार मर जाओ, तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता। एंड यार यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉबी में आ चुका हूँ एंड यार यहाँ पे तो मैं तो पता सारे के सारे बंदे देखो एक्टिव हैं, सब रैंक पुश करने वाले बंदे यहाँ पे आ रखे हैं। एंड यार यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही एक स्पॉट सा दिख रहा होगा वाइट कलर का, यहाँ पे जो मैं मैप खोल रहा हूँ तो वहाँ पे देखो आ रखा है। तो उस वाइट वाले स्पॉट को आप ढूंढो पूरे मैप के अंदर एंड वो काफ़ी सारी जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे पता नहीं ये क्या चीज़ थी, मैं इसको देखने लग गया था। एंड यार आप उसको एक बार मैप को ओपन करो एंड मैप के ऊपर ही आपको स्पॉट्स वगैरह दिखेगा एंड उस पर आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा आप अगर आप मार्क कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ऐसा देखो बार बार आपको फिर चेक करना नहीं पड़ेगा मैप को खोल के आप किधर साइड को जा रहे हो। एक बार आपने मार्क कर लिया तो सीधा डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। देखो यहाँ पे मिलिट्री बेस के अंदर दो दे रखे थे तो मैंने यार डिसाइड कर लिया मैं मिलिट्री बेस के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे दो हैं एंड एक था पहले क्या बोलते हैं वहाँ पे जहाँ पे गुफा सी होती है वहाँ पे था एंड वो काफ़ी दूर था, मैंने सोचा पास में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे शेल्टर की तरफ था वो एंड मैंने सोचा यार अपना जितना पास है उसकी तरफ जाए जाए। तो यार यहाँ पे जो था अपना मिलिट्री बेस के अंदर दो थे, मैंने सिविल्डिंग्स के साइड ना जाके दूसरी तरफ गया जहाँ पे बंदे भी कमाते हैं, बट यार वहाँ पे भी एक्चुअली बंदे आ चुके थे। तो यार मैं क्या करता अभी आप यहाँ पे देखो, सिंपल सा मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, आप भी इस लोकेशन को मार्क कर लेना। ऐसा नहीं देखो अलग अलग जगह पे मिलते हैं रोबोट, आप जाओगे तो हर मैच में आपको एक ही जगह पे दिखेगा और वो यहीं पे मिलेगा। आप बिल्कुल मेरी वाली सेम लोकेशन पे जा सकते हो एंड आराम से इस मिशन को बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। एंड ऐसा कंटिन्यूसली आपको 10 टाइम्स करना पड़ेगा। देखो यार एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपने एक्टिव कर दिया अपने उसको रोबोट को तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने रोबोट को एक्टिव कर दिया आप एग्जिट करके आगे, तो यार वो मैच कंसीडर नहीं होगा। एंड आपको करना क्या होगा, आपने एक बार एक्टिव कर दिया उसके बाद यार आपको खुद को किल करना पड़ेगा एंड उसके बाद गेम के अंदर किल करना पड़ेगा यार, ठीक है। और या फिर आपको कोई एनिमी वगैरह मार दे या फिर ग्रेनेड वगैरह से आपको खुद को किल कर लेना। तो बेसिकली ये एक ट्रिक है और यही ट्रिक काम करती है, अगर आपको एनिमी नहीं मारता तो खुद को खुद किल करके आ सकते हो, अदरवाइज़ तो आपका कंसीडर नहीं होगा अगर आपने एग्जिट मार दिया। तो यहाँ पे ये आप इस रोबोट को देख सकते हो, ये रोबोट को आपको एक्टिव करना पड़ेगा एंड जैसे मैंने एक्टिव कर दिया एक्टिव वाले बटन पे दबा के, तो सिर्फ इतना ही करना होता है। उसके बाद ये जो है रोबोट आपको फॉलो करेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको देख सकते हो एंड यहाँ पे ये जो रोबोट है ये सिर्फ आपके पीछे पीछे घूमेगा एंड इसके काम है कुछ और, जैसे कि एनिमी वगैरह आते हैं तो उसकी तरफ फेस वेस करके घूमता है ये, उधर उधर भागने लगता है, तो यार यही काम करता है ये। और यार ऐसा है अगर आप मर भी जाते हो तो इसको कोई और बंदा भी एक्टिव कर सकता है, ठीक है। और ऐसा सीन होता है तो अगर कोई मर जाता है उसके पास ये रोबोट वगैरह होता है तो उसको आप एक्टिव कर देना, तब भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। और बेसिकली यार स्टार्टिंग में आप आओ सिंपल से इस मैच के अंदर और मिलिट्री बेस के अंदर जाओ और यहाँ पे आके इसको कर देना। एंड यहाँ पे बेसिकली एक बंदा आ चुका था और यार बंदे के पास थी ओजी, मेरे को आवाज़ आ गई थी तो यार ये मेरे को मार रहा था, तो तुम्हारे भाई ने ऐसी ट्रिक लगाई इससे बच गया मैं जंप करने लगा एंड इसने फिर भी मेरे को मारा, बट यार मैं क्राउच करके नीचे को होकर चला गया तो बुलेट्स आदि मतलब निकल गई तो इसने मेरे को छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने इसको अपनी गन वगैरह दिखाई दी और ये मेरे को अपनी एक गन दे कर चला गया था, तो यहाँ पे इसने एक गन दे दी मेरे को और वो थी म्यूटेंट। एंड यार म्यूटेंट दे के ये बंदा चला गया था, काफ़ी अच्छा था। एंड यार फिर उसके बाद में मैंने इसको मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, तो ये सीन हुआ था। और यहाँ पे यार आपको करना यही होता है मिलिट्री बेस के अंदर जहाँ पे भी आपको वाइट स्पॉट मिलता है वहाँ पे मार्क कर लेना, उसके बाद यार सिर्फ आपको वहीं पे जंप करना है एंड वहाँ पे ये रोबोट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे इस बंदे को देख सकते हो, मैंने टीम अप कर लिया था यार, ये बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा तब था जब तक इसने मेरे को नहीं मारा था, तो मैं बच गया था जैसे ही। अब इसने लेकिन मेरे को मारने की कोशिश तो करी थी पूरी पूरी,
तो ठीक है। और यहाँ पे इस रोबोट को आप देख सकते हो, मस्त है यार, कोई काम का नहीं है, वैसे भी सब काम आप ही को करना पड़ेगा, गोली भी चलानी पड़ेगी। तो यार यहाँ पे एक गाड़ी दिख गई थी, मैं सोचा इसको, मेरी हेल्थ तो कम थी, मैं सोचा इसको चला के कूद के मर जाऊँ, तो ऐसा ठीक नहीं लगा मेरे को। एंड मेरे पास म्यूटेंट थी और उसमें काफ़ी एमो थी, मैंने खुद को किल कर लिया। एंड उसके बाद मैं जब बाहर आया, तो आप यहाँ पे आप जब जाओगे, जैसे मैंने आप खुद को देखो किल कर लेता हूँ, एंड जो आपके नियर बाई होगा बंदा, सबसे पहले उसी को आप वॉच करने के लिए जा सकते हो, अदरवाइज़ तो आप एग्जिट मार दो उसी का, तो ये काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को वो बंदा आया, तो मैंने इसको यार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, बिकॉज़ ये बंदा सही था। तो इस बंदे को रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं फिर एग्जिट करके बाहर आ गया, ठीक है। और वैसे भी ये देखो मेरे बंदे, ये इसको पेट्रोल को वो कर रहा था, एक्टिव कर रहा था अपने लिए, तो हो गया इसका आई थिंक। और अब मैं यार एग्जिट करके बाहर आ गया, एंड यार आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा, मेरा एक वर्कआउट हो चुका है। ऐसा है आपको 10 times करना है, आप मिलिट्री बेस के अंदर जाइए सिंपल सा, एंड यार एरोप्लेन कहीं और हो के जाता है तो वहाँ पे चले जाइए, कहीं और देख लेना, मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारी जगह पे। तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, मेरा एक बार कंसिडर हो चुका है, एंड मेरे को 9 times और करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो कर दें लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।